मेरा एक आखिरी प्रश्न रहे आपसे, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा, कि पूरे भारत में हमने देखा है कि किन्नर को कहीं कोरोना नहीं हुआ, किसी भी किन्नर को ना कभी उसकी मौत हुई है, तो क्या कारण है इसमें? आप लोगों की दुआ है, ये तो हम है कि हम सबको दुआ देते हैं, पर ये आप लोगों की किन्नर ऐसा कौन सा काढ़ा पी रहे हैं चाय का कि जिसकी वजह से कोरोना नहीं हो पाया? वो अपना बॉडी फिटनेस पे रखते हैं, अपने बॉडी का केयर करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो दूरियां बना के रखते हैं। जी इलेक्ट्रिक बिल, अगर इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक का लॉकडाउन में काफी बिल आ गया, एवरेज बिल दे दिया 25-25, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, एक गरीब कहां से भरेगा, उसमें क्या कहना चाहिए आप? सर हम, मैं भी खुद किराए के घर में रहती हूं, मेरा 7,000 रुपये बिल आया लॉकडाउन के पहले, बल्कि मैंने 7,000 रुपये भर दिया था जून महीने में, फिर 7 जून को भरी थी, तो 20 जून को फिर से आ रहा है 3,000 रुपये मेरा इलेक्ट्रिक बिल, तो ऐसे कैसे आपने रेट बढ़ा दिए? एक यूनिट का आप रेट बढ़ा रहे हो, तो फिर ये हमारे अपने नागपुर के पालक मंत्री क्या कर रहे हैं, ये पूरे कर क्या रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। सब मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए कहीं ना कहीं ये मतलब बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बहुत बुरे दिन आएंगे ये कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक तरफा, वो 24 घंटा अगर ऐसे मोबाइल लेके हो या टीवी लेके हो तो क्या उसकी आँखें खराब नहीं होगी? एक तो ऊपर से आप कोरोना के पेशेंट जो रहता है, आप तो किसी के कोई आम आदमी के हाथ में आप देते नहीं हो, उसका गुर्दा गायब हो जा रहा है, कहीं कुछ गायब हो जा रहा है, आज जो छोटे छोटे बच्चे अगर ऑनलाइन अगर पढ़ाई करेंगे तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी, तो सरकार चाहती क्या है कि आम कोई ना कोई हर बच्चा ये मिडिल क्लास के हो या फिर जनरल क्लास के हो कि यानी हम हमेशा वो तकलीफ झेलते ही रहे। और गवर्नमेंट की तरफ से तो कहीं आज तक राशन भी नहीं दिया है आज तक। क्या मांग है आपकी सरकार से, कुछ मांग है? मांग तो यही है कि सर देखिए आप दारू की दुकानें खोल देते हैं, हर चीज़ पे आप ये कर रहे हैं, एक दिन का पट्टा चालू करते हैं, एक दिन इधर का पट्टा चालू करते हैं, अभी हमारे फेस्टिवल तो ऐसे ही गए, शादी का फेस्टिवल गया, होली का फेस्टिवल गया, अभी आखिरी उम्मीद हमारी दिवाली है। आप बताइए अभी लॉकडाउन तकरीबन 5 से 5.5 महीने हो गए हैं, क्या हाल है किन्नर लोगों का, किस तरीके से जी रहे हैं? किन्नरों में थोड़ा तो प्रॉब्लम भी आई है, और किन्नर मतलब और लोगों की मदद भी करते हैं, जो जमा करते हैं एक एक दो दो रुपया वो जमा करके रखते हैं, जैसे कोई गरीब आया हम उन लोगों को दान भी करते हैं। अभी इतना प्रॉब्लम है कि सरकार हमको किन्नरों को एक भी मदद नहीं किया आज तक के, और रही बात हम लोग कैसे गुजारा करें लॉकडाउन में हमें पता है। मैं अगर एक प्रश्न आपसे पूछूं कि आपका तो परिवार नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के परिवार है जिनको 5-6 बच्चे हैं आज वो किसी तरह गुजारा कर रहा है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे ना कि जेंडर वो गरीब लोगों को मदद भी करे और गवर्नमेंट हमें मदद करे कि हम और जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे और लोगों को भी मदद करके आगे बढ़ाए। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है, मैं हूँ रिया शेख। लंबे चले लॉकडाउन, 5 महीने के लंबे चले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि सारे समुदाय के लोगों ने मदद तो किया है, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिसे लोग किन्नर कहते हैं, जिसे मुंबई में मामू कहते हैं, और जिसे लोग छक्का भी कहते हैं, लेकिन वो छक्का, वो मामू, वो किन्नर इस लॉकडाउन में मर्द बन के ऐसा सामने आया कि जिसने हर गरीब की मदद किया, उन गरीबों को राशन पहुंचाया। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी 6 महीने लॉकडाउन हो चुके हैं और कोरोना वायरस 6 महीने से लगभग इंसानों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, कई लोग कोरोना वायरस से चल बसे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पूरे भारत में कहीं आपने किसी भी किन्नर की मौत देखी हो तो? बिल्कुल नहीं, दावा करते हैं वो किन्नर जो आज मेरे साथ है, विद्या कांबड़े हैं, जो हम उनसे बात करेंगे और किन्नरों के विषय पर भी हम बात करेंगे। आपका TNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या वजह है, आपने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में मदद किया है लोगों की, हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है खास तौर से। थैंक यू सर। कैसा किया है आपने सर? थैंक यू वेरी मच कि पहली बात तो ये जो अवसर है कोरोना का है, ये कोरोना के वजह से हर कोई इंसान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी कैसे रहते कि हम लोग भी हम यहाँ तक जो हमारे समाज है वो सब है आप लोगों की वजह से ही जग रहा है। सबके बाल बच्चे होते हैं, शादियां होते हैं, जो हमको वो लोग देते हैं, हम वो हमारे अन्नदाता है, तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले वो अगर जीवित रहेंगे तो हमें आगे और सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि आप इनको इनके लिए आप पहले निकालिए, तो हमने बहुत सारे झोपड़ भट्टे में हैं हम लोगों ने, हमारे जो बहनें हैं किन्नर समाज की बहनें हैं, उन लोगों ने 2-2 पैसे जमा किए, जो भी जो इकट्ठा पैसा किया। नहीं, हमेशा देखे ये जाता है कि आप लोग एक एक दुकानों पर जाके 5-5, 10-10 रुपये जमा करते हैं, और वो जमा करने के बाद आप अपना गुजारा करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि पूरे सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि आप लोगों ने
किन्नर लोगों ने काफ़ी पूरे भारत में मदद किया, तो मैं यही जानना चाह रहा था, हमारे दर्शक भी यही जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा TNN 24 न्यूज चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहे तो और बाहर ना निकले, सुनसान नजर आ रही है। पर किन्नर समाज ने एक जानलेवा बीमारी है, स्वस्थ रहे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखे। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। TNN 24 न्यूज की ओर से जनहित में जारी, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दान देकर आम जनता के लिए सपोर्ट किया है और गवर्नमेंट के तरफ से तो कई आज तक राशन भी नहीं दिया है आज तक। क्या मांग है आपकी सरकार से, कुछ मांग है? मांग तो यही है कि सर देखिए, आप दारू की दुकानें खोल देते हैं, हर चीज़ पे आप ये कर रहे हैं, एक दिन का पट्टा चालू करते हैं, एक दिन इधर का पट्टा चालू करते हैं। अभी हमारे फेस्टिवल तो ऐसे ही गए, शादी का फेस्टिवल गया, होली का फेस्टिवल गया, अभी आखिरी उम्मीद हमारी दिवाली है, तो हमने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना? आज तो हम यंग हैं, हम तो कहीं से भी दो ताली मार के हम दो पैसे यूज़ कर सकते, पर जो हमारे सीनियर सिटीजन है, हमारे से जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों का क्या होगा? आज ये हम सिर्फ यहाँ पे दो दिख रहे हैं, पर आज पूरे भारत में भी हमारे से बड़े बड़े सीनियर हैं, जो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो दुकानों में नहीं जाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से तो आवाज कुछ भी योजना देनी चाहिए, कुछ तो फंड तो देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट से हम यही दुआ मांगते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचे सर, कारण आप हर सबके लिए सोचते हैं, तो वैसे किन्नर समाज के लिए भी सोचे। आप बताइए, अभी लॉकडाउन तकरीबन 5 से 5.5 महीने हो गए हैं, क्या हाल है किन्नर लोगों का, किस तरीके से जी रहे हैं? किन्नरों में थोड़ा तो प्रॉब्लम भी आई है, और किन्नर मतलब और लोगों की मदद भी करते हैं, जो जो झूठ टूट जो जमा करते हैं, एक एक दो दो रुपया वो जमा करके रखते हैं, जैसे कोई गरीब आया हम उन लोगों को दान भी करते हैं। अभी इतना प्रॉब्लम है कि सरकार हमको किन्नरों को एक भी मदद नहीं किया आज तक के। और रही बात हम लोग कैसे गुजारा करें लॉकडाउन में, हमें पता है हम लोगों की, जैसे अभी शॉप पूरे बंद थे, कहीं जा रहे तो हम कोई मतलब ये नहीं दे रहे, जैसे बधाई होती है मंगने जाते तो लोग बोलते हैं कि आप दूर खड़े रहो क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो ऐसे बहुत से थर्ड जनरेशन है जो अभी तक के मतलब बहुत गरीब भी है और अच्छे भी है, जो अभी तक के गवर्नमेंट ने थर्ड जनरेशन को मदद नहीं किया। मैं अगर एक सवाल एक प्रश्न आपसे पूछूं कि आपका तो परिवार नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों के परिवार है जिनको 5-6 बच्चे हैं, आज वो किसी तरह गुजारा कर रहा है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो ये चाहेंगे ना कि थर्ड जेंडर वो गरीब लोगों को मदद भी करे और गवर्नमेंट हमें मदद करे कि हम और जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे और लोगों को भी मदद करके आगे बढ़ाए। और स्कूल खुलने के जो विषय में अगर मैं बात करूँ, स्कूल बंद है अभी, तो उसमें क्या कहना चाहिए? मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब इस बच्चे की जो स्कूल है आप लोगों ने ओपन करना चाहे जो पढ़े। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगी सर कि जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑनलाइन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक तरफा, वो 24 घंटा अगर ऐसे मोबाइल लेके हो या टीवी लेके हो तो क्या उसकी आँखें खराब नहीं होगी? एक तो ऊपर से आप कोरोना के पेशेंट जो रहता है, आप तो किसी के कोई आम आदमी के हाथ में आप देते नहीं हो, उसका गुर्दा गायब हो जा रहा है, कहीं कुछ गायब हो जा रहा है। आज जो छोटे छोटे बच्चे अगर ऑनलाइन अगर पढ़ाई करेंगे तो उसकी आँखें खराब हो जाएंगी। तो ये सरकार चाहती क्या है कि आम कोई ना कोई हर बच्चा या मिडिल क्लास के हो या फिर जनरल क्लास के हो कि यानी हम हमेशा वो तकलीफ झेलते ही रहे, ये बात गलत है गवर्नमेंट की कि आप ऑनलाइन पढ़ाई चालू करो क्लासेस बंद है, ये सब गलत बात है गवर्नमेंट। विदे जी, इलेक्ट्रिक बिल अगर इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक का लॉकडाउन में काफ़ी बिल आ गया, एवरेज बिल दे दिया 25-25, 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, एक गरीब कहाँ से भरेगा, उसमें क्या कहना चाहेगा? सर मैं भी खुद किराए के घर में रहती हूँ, मेरा 7,000 रुपये बिल आया लॉकडाउन के पहले, बल्कि मैंने 7,000 रुपये भर दिया था जून महीने में, फिर 7 जून को भरी थी, तो 20 जून को फिर से आ रहा है 3,000 रुपये मेरा इलेक्ट्रिक बिल, तो ऐसे कैसे आपने रेट बढ़ा दिए? एक यूनिट का आप रेट बढ़ा रहे हो, तो फिर ये हमारे अपने नागपुर के पालक मंत्री क्या कर रहे हैं, ये पूरे कर क्या रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं सब। ये मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए कहीं ना कहीं ये मतलब बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले नहीं है, बहुत बुरे दिन आएंगे ये कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा एक आखिरी प्रश्न रहे आपसे, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरा, कि पूरे भारत में हमने देखा है कि किन्नर को कहीं कोरोना नहीं हुआ, किसी भी किन्नर को ना कभी उसकी मौत हुई है, तो क्या कारण है? इसमें आप लोगों की दुआ है, ये तो हम है कि हम सबको दुआ देते हैं,
पर ये आप लोगों की किन्नर ऐसा कौन सा काढ़ा पी रहे हैं चाय का कि जिसकी वजह से कोरोना नहीं हो पाया? वो अपना बॉडी फिटनेस पे रखते हैं, अपने बॉडी का केयर करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो दूरियां बना के रखते हैं, सैनिटाइजर हाथ में होता है उनके, और हॉस्पिटल तो बिल्कुल अभी तक के कोई थर्ड जेंडर गया नहीं है, और उन लोग मतलब चाय में गाढ़ा बना के पीते हैं, तुलसी दूध और शक्कर चाय, गुड़ तुलसी काली मिर्च लौंग हरी इलायची और कलमी तुलसी के पत्ते और गवती चाय होती है, ये सब आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। जितना आप पियोगे काला गुड़ ऐसा होता है, जितना पुराना काला गुड़ रहेगा वो आपके कफ को पूरा अच्छा करेगा और इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपका फिगर मेंटेन अच्छा होगा। पर इतना याद रखना चाहिए कि हम जितना गर्म पानी पी रहे हैं, आज अभी एक ट्रेंड सा चल रहा है हमारे किन्नर के बीच में भी कि जब से कोरोना आया है तब से गर्म पानी अर्ली मॉर्निंग पीते, 3 टाइम पी रहे हैं तो उससे और ज़्यादा फिट हो रहे हैं। भारत की जनता तो जनता, लेकिन किन्नर भी कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगा, जब से देश की हालत खराब हुई, अर्थ